गाइस वेलकम टू कैसे आप लोग सब आज दोस्तों श्री कृष्ण ने कहा है कर्म तुम्हारा फल होगा और कर्म में जो सच्चाई है वो कर्म कहाँ निष्फल होगा हर एक संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा हमारा संकट हमेशा से एक ही रहा है कि इलेक्ट्रिक कार अफोर्डेबल बनाई जाए और आज हमारे साथ एक ऐसी गाड़ी जुड़ी है जो सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार है हमारे इंडियन मार्केट में मैं बात कर रहा हूं टियागो ईवी की इसमें हम ऑलरेडी आपके लिए एक वॉक अराउंड पहुंचा सक चुके हैं आज बारी है इस गाड़ी के डिटेल्ड रिव्यू की सो so, शुरू करते आज का सेशन बिना समय बर्बाद किए सो so, पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये टियागो आती है पांच कलर्स में एक तो ये प्लम कलर है सॉर्ट ऑफ ब्लैकिश है एक ब्लू आता है लाइट ब्लू जो आपने सफारी में देखा होगा एक डार्क ब्लू आता है जो आपने टिगोर नेक्सॉन ये सब में देखा होगा एक ग्रे आता है जो आपने ऑलरेडी टिगोर में देखा होगा और एक नया कलर है वाइट कलर सो ये पांच नए कलर्स इस गाड़ी में ऑफर किए गए दो बैटरी रेंजेस आते हैं आपके पास एक लोअर छोटी वाली बैटरी आती है एक बड़ी आती है तो बड़ी बैटरी आपको हायर वेरिएंट्स में मिलती है एंड छोटी बैटरी आपको लोअर वेरिएंट्स में मिलती है तो क्लेम्ड रेंज जो है छोटी बैटरी का किलोमीटर फिफ्टी और बड़ी वाली का 315 किलोमीटर है अब अगर आपको इलेक्ट्रिक के काफी सारे गुण दिखाई देंगे जैसे इसका फ्रंट ग्रिल जो है वो बंद है ताकि हवा ना जाए ताकि आपका रेंज बढ़े बेसिकली एरोमिक्स किया जाता है जिससे गाड़ी का ओवरऑल रेंज बढ़ जाए आपके हेडलैम्प जो है वो प्रोजेक्टर है बट हाई बीम जो है वो वो रेगुलर है 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 और हर टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपने देखा होगा कि एक ब्लू आती है। वो ब्लू पट्टी पट्टी आती पे भी है। आपके जो फॉग लैम्प है वो आपको येलो कलर के हैं साथ में उसी के डे टाइम रनिंग एलईडी भी मिल जाते हैं फ्रंट में आपको मेजर डिफ्रेंसिएशन नहीं दिखाई देगा बट इतने डिफरेंसेस तो दिख जाएंगे जिससे आप बोल सकते हैं हाँ ये तो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी है साइड प्रोफाइल भी हु बहू टियागो वाला ही है पर आपको जो क्रोम डोर हैंडल्स मिलते थे टियागो में यहाँ पे वो क्रोम एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं प्लस आपको 14 इंच के जो व्हील्स आते हैं उस पर जो व्हील कैप्स है उसका पैटर्न अलग दिया गया आपको शार्कफिन एंटेना नहीं आती है यहाँ पे बट वॉट यू गेट इज अ रेगुलर एंटेना और अनफॉर्चुनेटली ये एंटेना जो है ना इजिली निकाल दी जा सकती है या खो भी जाती है काफी टाइम्स आपको डॉट टीवी की बैजिंग भी मिलती है आपके साइड फेंडर पे टियागो ईवी पीछे से भी काफी हद तक वैसी ही लगती है आपके पास एक स्पॉइलर आ जाता है आपके पास वाइपर है वे और साथ में अब टियागो डॉट ईवी की बैजिंग मिल जाती है अच्छा वैसे अगर आपको इस गाड़ी का बूट खोलना है ना तो आपको अंदर मैकेनिकल लेवर यूज करने की जरूरत नहीं है आपके पास यहीं पे एक बटन है जस्ट अबाव योर रिवर्स कैमरा जिसे आप प्रेस करके अपना बूट खोल सकते हो अच्छा इस गाड़ी में जो बूट स्पेस है वो 240 लीटर की है ओवरऑल बूथ स्पेस में कुछ नहीं आया वो 242 आती थी ये 240 हो गया तो दो लीटर का डिफ्रेंसिएशन आया और साथ में आपको मिलता है रिपेयर किट पठा पे जो स्पेयर व्हील आता था वो हटा दिया गया है और उसकी जगह आप देखेंगे तो अंडनीत एक बैटरी पैक प्लेस्ड है जो आपका रेंज एक्चुअली एक्सटेंड करता है तो आपके पास स्पेयर व्हील इस गाड़ी में नहीं आता है ऑल यू गेट इज अ पंचर रिपेयर किट

इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंप्लीटली डिजिटल है और ये काफी सिमिलर है टू अ रेगुलर टियागो बट बहुत सारे चेंजेस भी इसमें कर दिए गए है जैसे एक तो ब्लू कलर इंट्रोड्यूस किया गया इसमें साथ में आपके पास एक और एक साइड में लेफ्ट साइड पे जगह दी गई है जहां पे बताता है कि रीजन कितना चल रहा है फिलहाल और पावर कितना जा रहा है एट द सेम टाइम आपके पास रीजनरेटिव लेवल्स जो है रीजनरेटन ब्रेकिंग के उसके लेवल्स का भी पॉइंट दिया गया है आपको ऑन द क्लस्टर तो ये सारी चीजें इसमें अब आ गई है अब अगर आप इस गाड़ी का टच स्क्रीन सिस्टम देखते हैं तो इट्स क्वाइट इजी टू यूज यूआई थोड़ा और बेटर हो सकता था रिस्पॉन्स ओवरऑल और, और, और बेटर हो सकता था रियर कैमरा भी है रिवर्स कैमरा भी दी गई है इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल भी अवेलेबल कराया गया और अगर आप वायर से यूज करते हैं तो एंड्रॉयड ऑटो तो, एप्पल कार प्ले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं गाड़ी के अंदर जो चीजें मुझे इस गाड़ी में पसंद आई है कि बेस मॉडल से ही यहाँ पे सेफ्टी पे फोकस किया गया दो एयर बैग प्लस ये सब आपको मिल जाता है इस गाड़ी में आपको ई भी अवेलेबल कराया गया है एट द सेम टाइम इस गाड़ी में आई I मीन mean, टियागो जो है टिगोर जो है उसको ऑलरेडी फोर स्टार रेटिंग मिला एज अ प्लेटफॉर्म तो वहां पे सेफ्टी की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है हाँ फिट फिनिश थोड़ा और बेटर हो सकता था कोई कोई जगह पे आप देख के बोलोगे यार ये थोड़ी गैपिंग है जो बेटर हो सकती थी गाड़ी के अंदर ग्लव बॉक्स जो है काफी बड़ा है और ये कूल्ड भी है डोर पैड्स में आपकी एक लीटर की बॉटले तो यहाँ नहीं बैठ सकती है क्योंकि काफी छोटा है और 500 सौ या 200 सौ ढाई की जो छोटी बोटले आते हैं वो यहाँ बिठा सकते हैं पर उसके अलावा टाटा मोटर्स ने काफी स्टोरेज स्पेसेस दिए है गाड़ी के अंदर जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू कीप मल्टीपल थिंग्स चार्जिंग पॉइंट गाड़ी में एक ट्वेल्व वोल्ट अंदर दिया हुआ है और एक यूएसबी चार्जिंग पॉइंट भी इस गाड़ी के अंदर आ जाता है अच्छा हाँ जो है बेस मॉडल से ही आता है कनेक्टेड का टेक भी आपको बेस मॉडल से ही अवेलेबल कराया गया है अब अगर मैं इस गाड़ी के चार्जिंग के बारे में बात कर लू तो मैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ दे रहा हूँ आपके आपको जो गाड़ी के साथ चार्जर मिलता है वो आप एक आ, हायर को आ, महंगा वाला 7.2 पॉइंट टू का चार्जर भी लगवा सकते हो घर पे अपने और आप बाहर फास्ट चार्जिंग में 50 किलो वॉट की स्पीड तक जा सकते हो चार्ज करने को इसमें आ, सारी जो डिटेल्स है मैं आपके लिए यही मेंशन कर रहा हूँ अब रियर सीट पे जाने से पहले मैं अपनी सीट एडजस्ट कर लेता हूँ एज पर माय हाइट माय सीटिंग पोजीशन और बाय द वे अगर आप इसका स्टीयरिंग व्हील देखते हैं तो ये हाइट के लिए एडजस्ट किया जा सकता है रीच एडजस्टमेंट नहीं है इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलाइम्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स भी अवेलेबल कराए गए हैं रियर सीट पे आते ही आपके लिए यहाँ पे दो लोगों के लिए जगह है तीसरा अगर कोई बच्चा बैठता है तो बैठ पाएगा वरना तीन लोगों का बैठना यहाँ मुश्किल हो जाता है आपके पास दो हेडरेस्ट है बट ये एडजस्टेबल नहीं फिक्स्ड है ना ही आपके पास पीछे आमरेस्ट दिया गया है ताकि दो लोग मतलब ऐसे बैठ के जा सके तो ये छोटी साइज की गाड़ी तो इस वजह से यहाँ आमरेस्ट नहीं दिया गया है सीट का रिक्लाइन डिसेंट इनफ है हैडरूम की ऐसी कोई इतनी कमी नहीं है मेरी हाइट छ फीट है जस्ट फॉर योर रेफरेंस और नी रूम भी जस्ट सफिशियंट है वहाँ पे नी रूम का इतना प्रॉब्लम नहीं पर हाँ थाई सपोर्ट जो है ना गाड़ी का वो थोड़ा बेटर हो सकता है स्पेसिफिकली रियर पैसेंजर्स के लिए अब यहाँ पे पीछे बैठने वाले लोगों के लिए सुविधाएं क्या क्या है आपके पास ना आमरेस्ट है ना ही ए सी वेंट्स है आपके पास डोर पैड में कुछ सामान रखने की जगह है और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है जो इधर सेंटर में दिया गया है वन्ना उसके अलावा आपके पास कुछ और सुविधाएं पीछे नहीं दी गई है so guys, अब बारी है इस गाड़ी को चलाने की कर देते हैं स्टार्ट रेडी आ गया तो डाल दिया ड्राइव पे हैंड ब्रेक पुल डाउन एंड यो सो अगर मैं इस गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लू तो देखिए अगर यहाँ से मैं तो so पिकअप अच्छा खासा है कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको इंस्टेंट पिकअप मिल जाएगा क्योंकि ये हर इलेक्ट्रिक कार में आप देखोगे जो मॉडर्न डे इलेक्ट्रिक कार आती है वो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है और ये गाड़ी कोई अलग नहीं है वैसे इसमें आपको स्पोर्ट मोड भी आता है जहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन और काफ़ी बेहतरीन हो जाती है एंड अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए आप स्पोर्ट मोड में यूज़ कर सकते हो बट डोंट एक्सपेक्ट सेम माइलेज जो आपको मिल रही है इन द ड्राइव मोड अच्छा जब मैंने गाड़ी शुरू की ना चालू करना कुछ 98 या 99 परसेंट बैटरी बाकी थी गाड़ी की एंड बिना एसी के ये 252 का रेंज दिखा रहा था दिस इज़ द बिगर रेंज बैटरी एंड एसी के साथ ये 229 ट्वेंटी के मतलब 230 के आसपास लगभग लग 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 दिखा रहा था रेंज सो so ये आप सॉर्ट ऑफ रेंज के आसपास ही एक्सपेक्ट कर सकते हो रियल लाइफ सिचुएशन में दस से बीस किलोमीटर ऊपर नीचे अब पिकअप अच्छा है ड्राइव क्वालिटी की बात करें तो वहां पे भी इशू नहीं है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है एक तो शांत रहती है आवाज बिल्कुल नहीं आती आपको आपको दूसरा आतीलेशन अच्छा खासा मिल जाता है तीसरा अगर आपको क्विक पिकअप चाहिए तो ये पेट्रोल डीजल के मुकाबले ज्यादा बेटर एक्सिलरेशन वहाँ ऑफर करती है पर हाँ अगर आप शहर में गाड़ी चलाते हो इलेक्ट्रिक कार तो आपका रेंज ज्यादा रहता है और अगर आप हाईवे पे ज्यादा तेजी से जाते हो मतलब अस्सी नब्बे सौ एक सौ बीस में चलोगे तो वो बैटरी उतना जल्दी खत्म होगा बट फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि अगर आप गाड़ी ज्यादा तेज चलाते इलेक्ट्रिक में स्पेसिफिकली तो आपका रेंज ज्यादा तेजी से घटने वाला है अनलाइक पेट्रोल का जहां पे आपको हाईवे पे ज्यादा माइलेज मिलती है इसमें आपको हाईवे पे कम माइलेज मिलेगी रेंज टेस्ट हम कर नहीं पाएंगे बहुत कम समय के लिए हमें गाड़ी मिली है सो so, वो करना इस समय नॉट पॉसिबल बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दोनों में आपको 70 परसेंट जो क्लेम्ड है उसका 70 परसेंट रेंज मिल जाए यानी कि 190 के आसपास आपको मिलना चाहिए ऑन द लोअर रेंज वर्जन एंड 220 230 के आसपास आपको मिलना चाहिए ऑन द हायर रेंज वर्जन अब जो इस गाड़ी की राइड क्वालिटी है वो अच्छी है और ये आपको एक बड़ी गाड़ी का महसूस करवाती है खास करके जब आप बहुत खराब रोड्स पे चला रहे हो थोड़ा बहुत तो महसूस होगा बट काफ़ी हद तक ये इसे ऑब्जॉर्ब कर लेती है स्टीयरिंग व्हील भी बहुत ही लाइट है आराम से आपका स्टीयरिंग मतलब आप मैं लिटरली देखिए दो उंगलियों से टर्न कर रहा हूँ फिलहाल और जो रोड की पकड़ है जो ग्रिप है गाड़ी की वो भी बहुत बढ़िया है तो इस वजह से देख रहे हैं आप मैंने एक हाथ से चलाया वैसे मैं रेकमेंड नहीं करूँगा बट सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने एक हाथ से वो पूरा ऐसा टर्नस किए हैं अभी और एक और एक चीज जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है विजिबिलिटी कैसी है तो अगर आप शहर में गाड़ी चला रहे हो तो आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी है विजिबिलिटी की बिल्कुल कमी नहीं है और आपके मिरर की साइजेस भी डिसेंट है है ये पिलर थोड़ा थिक है, बट आपको कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है पता है जब आप घाट पे चढ़ रहे हैं ना ऊपर तो सामने थोड़ा आपको ये विजिबिलिटी में प्रॉब्लम कर सकता है वरना उसके अलावा आपके लिए ऐसा कुछ तो नहीं है गाड़ी में जो मैं कहूँ कि यार प्रॉब्लमैटिक है और साथ में क्रूज़ कंट्रोल पे भी ये गाड़ी चलाओगे ना तो भी आपका रीजन चलता है रीजन uh, में आपको समझाता हूँ क्या होता है बट इतना समझ लो फिलहाल के जिनको पता है कि रीजन आपका क्रूज कंट्रोल पे भी चलता है और ये काफ़ी अफेक्टिवली चलता है जिस वजह से आपकी ओवरऑल जो ड्राइव है वो बेटर हो जाती है आपका रेंज बढ़ जाता है अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसमें टोटल चार लेवल जाते हैं जीरो ऑफ वन टू थ्री

जो पावर एक्स्ट्रा आ रहा है उसको वो चार्ज करते जाएगा गाड़ी को तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है ब्रेकिंग। जैसे आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने लगोगे और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग इस्तेमाल करने लगोगे आप देखोगे कि आपका रेंज भी वहां बढ़ते जाएगा जैसे आप रिजेनरेटिव और इस्तेमाल बेटर करने लगोगे दूसरी चीज इसमें आपको जो कनेक्टेड कार्ड टेक आता है उसमें आपको ड्राइविंग स्कोर आता है अब जैसे मैंने गाड़ी चलाई मेरा 7.8 का स्कोर आया था यहाँ पे सो इन दैट केस मैं अपनी ड्राइविंग अगर और बेटर करूँ मैं तो टेस्ट कर रहा था गाड़ी बट अगर मैं और बेटर करूं अपना ड्राइविंग स्कोर देन इन दैट केस फायदा ये होता है मुझे कि एट द एंड ऑफ द डे मैं अपना रेंज वहां से बेटर कर सकता हूँ तो ये आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ कोच या गाइड बन जाता है फॉर इजी चेकिंग अच्छा रीजनरेटिव ब्रेकिंग आप दो चीजें देख सकते हो पहला आपका पावर कितना यूज हो रहा है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग कितना यूज हो रहा है और दूसरी तरफ आपका लेवल बताता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग का कौन सा चालू है जीरो वन टू थ्री सो ये एक अलग चीज दी हुई है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे एक चीज और जो इस गाड़ी का रिवर्स मोड पे डालना है या ड्राइव मोड पे डालना है कभी कभार थोड़ा डीले आता है उसको न्यूट्रल से डालने में एंड यहाँ पे आई थिंक थोड़ा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है ये लैग को कम किया जा सकता है सो so गाइज ये था हमारा आज का रिव्यू ऑफ द टियागो ईवी देखिए गाड़ी चलाने में बहुत बढ़िया है परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा मिल जाता है एंड ओवरऑल जो क्लेम रेंज है उसके लिए आपको थोड़ा सवर और करना पड़ेगा क्योंकि ये एक छोटी ड्राइव थी हमारे लिए ये बहुत लंबी ड्राइव नहीं थी तो यहाँ पे हम रेंज एक्चुअल में गाड़ी का टेस्ट नहीं कर पाएंगे पर अगर मैं अप्रॉक्सिमेट आपको नंबर्स बता दूँ तो टू का मान लीजिए सेवेंटी आपको रेंज मिलेगा से क्लोज टू वन एट्टी एंड uh, जो 315 वाली है उसका समझो 210, 215, 220 तक भी जा सकता है सो so, अप्रॉक्सीमेटली ये नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट जब हम इसे टेस्ट करेंगे तो ही हम आपको बता पाएंगे इसका ओवरऑल रेंज कैसा है अब यहाँ पे क्लियर बात क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं मैं कोशिश करूंगा आपको बेस्ट एक्सप्लेन करने की लेकिन अगर आपके पास फिर भी डाउट्स रह जाते हैं आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं जी हाँ ऐसी सर्विस आपको कोई नहीं को देता है आप हमसे 15 मिनट के, के फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं आपको सिर्फ मोटरॉकटेन डॉट कॉम स्टैश कार जाना वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स बने एंड बुक योर कॉल टाइमिंग आप मुझसे विराट से मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से जुड़ के बात कर सकते हैं एंड क्लैरिफाई डाउट्स ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्लियर आंसर क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं अगर आप एक सेकेंड गाड़ी ले रहे हो अपने लिए मतलब आपके पास ऑलरेडी एक गाड़ी आपको सेकेंड कार चाहिए आप चलाते हो आपकी वाइफ चलाते हो आप नॉर्मली सिटी में कभी कभार कहीं जाते हो या मतलब काम पे जाने के लिए गाड़ी चाहिए तो इसका जो लोअर रेंज वाला वर्जन है उसे कंसिडर कर सकते हो पर एक ही गाड़ी है सिटी के लिए हाईवे के लिए फुल फैमिली के लिए तो आप इसका जो हायर रेंज वाला मॉडल है उसे कंसिडर करिए अब फीचर कौन से लेनी चाहिए वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ बट जो चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं विच इज वेरी गुड कि आपको जो लोअर वेरियंट है बेस मॉडल है XE, वहां से ही आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल जाती है आपको इवन मल्टीपल लेवल्स ऑफ रीजनरेशन मिल जाता है तो ये एज एन इलेक्ट्रिक कार बायर अगर आप पहले बार इलेक्ट्रिक कार गाड़ी खरीद लो ये आपके लिए बहुत ही एनकरेजिंग पॉइंट हो जाता है क्योंकि जब आप देखते हैं ओवरऑल जो आपको रीजनरेशन uh, से बेनिफिट मिलता है वो काफी ज्यादा है एंड देखिए आप और मैं ऐसे नहीं कि हम पैदा होते ही इलेक्ट्रिक कार चला रहे थे काफी लोगों के लिए हम में से पहले बार इलेक्ट्रिक कार लेने की बात होगी सो इन दैट केस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा एंड जब आप अपना ड्राइविंग स्कोर कंपेयर करेंगे और जैसे आपका ड्राइविंग स्कोर बढ़ते जाएगा आप नोटिस करोगे कि आपकी ओवरऑल जो रेंज है गाड़ी की उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा इन लर्निंग हाउ टू ड्राइव अब ऐसे नहीं कि आप इलेक्ट्रिक कार चलाना है तो आपका ऐसा सर पे या समथिंग नहीं इट्स नॉर्मल ओनली खाली थोड़ा आपको अपना ड्राइविंग को ट्विक करने की जरूरत पड़ेगी सो so ये था मेरा आज का रिव्यू ऑफ द टियागो ईवी उम्मीद करता हूं मैं आपके साथ जो क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा हूं वो लेके आया हूं अगर आपके पास अभी भी सवाल है लाइक सेड यू कैन स्पीक टू अस अगर आप कंफ्यूज है दुविधा में हो कि मैं टियागो ईवी ली चलो कुछ और लेना है आपको कोई और कैटेगरी में भी आपको डाउट है आप हमसे फोन पे जोड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो तो राइट नाउ right अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया सो डू दैट राइट अवे नीचे बटन दिख रहा है उसका अभी प्रेस करो एंड इतना वीडियो देखा है एक लाइक तो बनता है सो गाइज मिलेंगे कल फिर से बता दें ऑल न्यू वीडियो टेक केयर सी डू मोरो लव यू गाइज बाय